ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे सुनीता, अरे भाई जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, 15 दिन के लिए फिर से जाना पड़ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शादी के 4 साल हो गए हैं लेकिन आपने मेरे साथ 4 दिन भी ढंग से नहीं बिताए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुडालिंग, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं, लेकिन क्या करूं, ये कमबख्त नौकरी ऐसी है कि मुझे तुम्हारे पास रुकने नहीं देती, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी नौकरी मेरी सौतन बन गई है जो कभी हमें साथ देख ही नहीं सकती। आपका प्रमोशन हुआ है अभी तो ऐसी जगह जहाँ ना कोई मॉल है, ना थिएटर है, ना रेस्टोरेंट है, जहाँ हम 2-4 घंटे वक्त बिता सकें, जहाँ पर मैं अपना अकेलापन दूर कर सकूं। वही तो, अरे बस थोड़े दिनों की बात है, मैं इसी कोशिश में तो लगा हूँ कि मेरी नौकरी का ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाए जहाँ मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। हाँ अभी जल्दी से नाश्ता रेडी कर दो ना। हाँ मैं तैयार हूँ कहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरुण आया साहब। ये लो बेटा। अच्छा डार्लिंग, अपना ध्यान रखना। हाँ मैं जल्दी आता हूँ जी। और ये स्ट्रॉ रखो, ये पेप्सी में डालना और पीना, ज्यादा मत पीना नहीं तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे फुटकी पे। हाँ ठीक है, चलो बेटा, चलो बेटा, मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे फुटकी पे। हाँ ठीक है साहब, चलो बाय। मैडम मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, ये रही चाबी। ठीक है अरुण, अंदर आओ। नहीं मैडम मैं ठीक हूँ, आप ये चाबी रख लो, मैं निकलता हूँ। मैंने कहा ना अंदर आओ। बैठो। अरुण,
आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आज तुम यहीं रुक जाओ, ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। और यहाँ आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ आज रात तुम यहीं रुक जाओ। नहीं मैडम, मैं नहीं रुक सकता, घर पे मेरी माँ अकेली है, मुझे जाना होगा मैडम। कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ को कॉल करो और बोलो कि तुम आज नहीं आ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तब तक तुम बात करो। हेलो, हाँ माँ, माँ मैं आज रात को घर नहीं आ पाऊंगा, साहब का कुछ काम है, उनके साथ ही रहूंगा आज पूरी रात। हाँ माँ दवा खा लेना वो। हाँ मैं सुबह पहुंच जाऊंगा, सुबह जल्दी आ जाऊंगा माँ। ठीक है माँ, प्रणाम। ये लो चाय। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, आज मैं सब अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैडम आप जो खिला दोगी हम खा लेंगे। दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कमरे में कोई है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? हाँ मैडम बैठिए। तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ। जी मैडम। अरुण मैं भी यहां सो जाऊं? समझ ही नहीं पा रहा है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
ये क्या कर रही हो आप? साहब को पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। कौन बताएगा साहब को? मैं तो नहीं बताऊंगी और ना ही तुम। सच? मुझ अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। पर तुम्हें मालूम है ना, अगले 10 दिन तक साहब शहर में नहीं है और तुम्हें 10 दिन तक यहीं रहना है। अरे नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मेरी माँ घर पर अकेली रहती है। ठीक है, अगले 10 दिन तक दिन तुम्हारी माँ के होंगे और रातें मेरी होंगी। ठीक है। बैग यहाँ रख दूँ? सर ये रहा सर चाबी। मैं चलता हूँ साहब। ठीक। अरे अरुण, चाय तो पीकर जाओ। अरे वो बाहर चाय पी लेगा। अगर वो यहाँ पी लेगा तो क्या हो जाएगा? लो अरुण, चाय लो। हेलो। हेलो, कल नागपुर मेडिकल कॉलेज में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल शाम 4 बजे तक पहुंच जाइएगा। अभी घर में कदम रखा भी नहीं, फिर से जाना पड़ रहा। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। जो सुख मैंने पिछले 4 सालों में नहीं पाया, तुमने मुझे 10 दिनों में दे दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम। मेरा भी यही हाल है। आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता मैं। इस वक्त कौन हो सकता है? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ट्रेन में बैठा ही था कि कॉल आ गया कि मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए अगले स्टेशन पर उतरकर वापस आ गया। अब तुम रास्ता छोड़ो, सारी बातें यहीं करोगी क्या? हटो। दफा हो जाए यहां से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? चल बाहर निकल।
भानकर दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा तुझे। चल। निर्लज्ज, बेहया, बेशरम, अपना मुंह काला करवाने से पहले अपना स्टैंडर्ड तो देख लिया होता। दो घोड़ी के ड्राइवर के साथ गुलछर्रे उड़ाते तुझे शर्म नहीं आई? अभी तो उसको मैंने घर से निकाला है, अभी उसको मैं नौकरी से निकाल दूंगा, फिर देखता हूं। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देगा उसको। भूखा मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा वो साला। ये मुझे जॉब से निकलवाएगा, इसे मैं दुनिया से अलविदा कर देता हूं। तुमको मैंने क्या नहीं दिया? कौन सी चीज की कमी की मैंने तुमको? झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। तेरे साथ तो यही होना चाहिए।